मैं फैयाज अहमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई शहर का सदर की हैसियत से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी और महाविकास आघाड़ी से निवेदन करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो मैंने निवेदन किया था कि 3 महीने लॉकडाउन और 2 महीने उसके अलावा बिजली बिल माफ़ की जाए, क्योंकि आज आवामी तौर पर, इलाकाई तौर पर, शहरी तौर पर आवाम बेहद परेशान है और ज़हनी तनाव में है और डिप्रेशन में जा रही है। आज कोरोना जैसी महामारी से आवाम लड़ रही है और दूसरी तरफ लॉकडाउन से परेशान है। कारोबार ख़त्म हो चुका है, लोगों के पास पैसे नहीं कि घर का किराया दे सके और उस पर बिजली विभाग का कहर, जो कि आने वाले वक्त में आवामी जहनों को तनाव में जाएगा। इसके लिए मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बराए करम इस चीज़ के ऊपर फिक्र करें, सोचें और 5 महीने का बिजली बिल माफ़ करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1982 के अंदर मुंबई शहर में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई थी, जिसमें लाखों लोगों का रोजगार चला गया था। उसके बाद सूरत ये थी कि मुंबई शहर के इलाकाई लोगों ने अपने घर के बर्तन बेच दिए, सोना बेच दिया, गांव पलायन कर गए और नई नस्लें गुमराह हो गई, क्राइम रिपोर्ट बढ़ गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस दोबारा कायम और स्थिति बेहद ख़राब है। हर इंसान इस वक्त परेशान है, बदहाल है और उसका एक ही उपाय है कि हल्का सा रिलीफ और डायरेक्ट रिलीफ जो है आपके माध्यम से लोगों को मिल सकता है। तो मैं आपसे फिर एक मरतबा निवेदन करना चाहूँगा कि बराए करम इस चीज़ के ऊपर फिक्र करें और सोचें और 5 महीने के लिए आप बिजली का भी माफ़ करें। और मैं जितने भी NGOs हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नौजवान हैं, उन सब से मैं निवेदन करूँगा कि बराए करम इस चीज़ को आप मुद्दा बनाएं और इसको चलाएं और सरकार पर प्रेशर डालें कि सरकार इसको जल्द से जल्द कायम करे और लोगों में बिजली बिल माफ़ करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।